स्वागत है आप सभी का विविध भारती की रंगोली में। स्वीकार कीजिए रेणु चतुर्वेदी और जी शाम का नमस्कार। रेणु जी, जी आपने कभी सोचा है कि हर बार, हर रविवार जी बार बार दर्शक हमसे जुड़ क्यों जाते हैं? इसमें सोचने जैसी कोई बात ही नहीं है भाई। हर रविवार डीडी नेशनल पर 8 बजे हम लेकर हाजिर हो जाते हैं रंगोली, और वो भी गीतों की। और उसमें ऐसे गीत होते हैं जी जिन्हें दर्शक बार बार, हजार बार देखना पसंद करते हैं।
श्याम जी, हम गीत देखते हैं, सुनते हैं, संगीत से जुड़ते हैं, लेकिन ये जो गीतों की पंक्तियां होती हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई होती हैं। जी हाँ, और जब कभी हम इस तरह के गीत सुनते हैं तो हमारा दिल इस तरह की बातों से, इस तरह के गीतों से जुड़ जाता है। जी हाँ, और गीतों से ये जुड़ाव जो होता है जिंदगी का, बड़ा सुकून देता है, और मतलब लगता है कि ये एक हसीन इत्तेफाक सा बन गया है। और इस तरह के इत्तेफाक जो हैं जिंदगी में बड़ा सुकून देते हैं, और जब हम इसे बार बार याद करते हैं तो कह बैठते हैं कि जिंदगी इत्तेफाक। अच्छा श्याम जी, एक बात ये बताइए, आप सपने देखते हैं? अच्छा, ऐसा कौन होगा जो सपने नहीं देखता है भाई। हमने सोचा आप हो सकता ना देखते हो, लेकिन एक बात तो है कि अगर आप सपने नहीं देखेंगे तो उसे पूरा करने की कोशिश कैसे करेंगे। लेकिन सपने भी तो अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग किस्म के होते हैं। जी हाँ, ये बात तो है। यानी कि जो अपने सपने देखता है कि मतलब कुछ उसे उम्मीद हो, कुछ पाना हो, तो जाहिर है कि उसको पाने की इच्छाएं हैं, वैसे सपने देखता है। किसी को घूमना हो तो वो अलग अलग जगहों के सपने देखता है ना। लेकिन कुछ सपने जो होते हैं वो अलग होते हैं। जैसे? जैसे नौजवान दिल के नौजवान सपने। यानी कि सपनों की रानी वाले। ओ महबूबा, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मंसूर। तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मंसूर। वो कौन सी महफिल है जहां तू नहीं मौजूद? वो कौन सी महफिल है जहां तू नहीं मौजूद? ओ महबूबा, ओ महबूबा, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मंसूर। किस बात पे नाराज हो, किस बात का है गम? किस सोच में डूबी हो तुम, हो जाएगा संगम? ओ महबूबा, ओ महबूबा, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मंसूर। तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मंसूर। Oh, okay.
देखते रह जाएंगे, ले जाऊंगा एक दिन बाहों के तुझे हार में पहनाऊंगा एक दिन, सब देखते रह जाएंगे, ले जाऊंगा एक दिन। ओ महबूबा ओ महबूबा, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। वो कौन सी महफिल है जहाँ तू नहीं मौजूद? ओ महबूबा, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। वैसे उम्र के इस पड़ाव पर हर नौजवान सपने देखता है। किसी के सपनों में सजी संवरी रानी होती है। जी हाँ, तो किसी के सपनों में सफेद घोड़े पर बैठा हुआ राजकुमार, कोई अपने सपनों में महबूबा से या महबूब से मिलता है या मिलती है। जी हाँ, तो वहीं कोई चांद को अपने
अरुण जी, जी हम सपनों की बात कर रहे जी थे। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बिन मांगे मोती मिल जाता है ना ये भी बात लेकिन फिर भी दिल किसी पर मर मिटता है। लेकिन इसमें दिल का कोई भी हाथ नहीं होता। हाँ, कुसूर तो उस चेहरे का होता है जो उस दिल को मजबूर करता है। कमाल है, मतलब आप कमाल को कुसूर कह रहे हैं। जरा सोचिए जनाब, वो हंसी चेहरा जो किसी को मोहब्बत करने पर मजबूर कर दे, इससे बड़ा कमाल और क्या होगा। हा? श्याम जी, वैसे सपने देखना, किसी को दिल दे देना, किसी की याद में बेचैन रहना, ये सारी बातें मतलब सुनने में बड़ी आसान लगती है ना। आसान हो या ना हो, लेकिन इसके बिना दिल को सुकून भी तो नहीं मिलता। हाँ, लेकिन इस सुकून को हासिल करने से पहले रोमियो जूलियट, हीर रांझा और लैला मजनू की कहानी से सबक जरूर ले लेना चाहिए। लेकिन मोहब्बत की राह में जिनके कदम आगे बढ़ गए हो, उन्हें कुछ दिखता कहाँ है? राह के कांटे भी नहीं? ना, नहीं। कांटा लगे या तीर चुभे, एक बार बंदा जी मोहब्बत की राह में अगर आगे बढ़ गया तो सर पर कफन बांध लेता है। जी हाँ, दुनिया में लोग अगर दूसरे के अनुभव से सीख ले लें, सबक ले लें, तो फिर गलती ही क्यों करेंगे, ये सोचिए। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात भी तो है ना कि अगर मोहब्बत गलती है तो हर कोई ये गलती क्यों करना चाहता है। ये तो सोचने वाली बात है कि जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, जबकि जो मोहब्बत करते हैं उसमें आधे से ज्यादा लोग यही कहते हैं इस राह में, मोहब्बत की राह में धोखे बहुत हैं, जरा संभल कर चलना। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, तुम रहते हो, नमो
मुझसे जाने जिगर कटता नहीं तेरे बिन ये सफर नजरें ढूंढे तुझको आ मिल जा तू मुझको बाहों में आ जाओ सपनों में हो जाओ तुम दिल की धड़कन में रहते हो रहते हो कहना चाहती हूँ मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि मुझे तुम कुछ ना कहो चुप ही रहो देखो धड़कन कहती है कुछ ना कहो अब चुप ही रहो देखो तो धड़कन कहती है लौट आया है मीत मेरा अखियों से नदियां बहती है कैसे गुजरे ये दिन पूछो ना तेरे बिन बाहों में आ जाओ सपनों में खो जाओ तुम दिल की धड़कन में रहते हो रहते हो आप लाख समझा लीजिए लाख हिदायत दे दीजिए लाख नसीहत दीजिए अगर मोहब्बत हो जाए तो फिर न जमाने का डर न रस्म रिवाज की चिंता फिर तो बस कदम बढ़ जाते हैं एक नए जहां की ओर और जुबां कहती है मत पूछो जमाने वालों मेरा पता मैं चली मैं चली मैं चली
श्याम जी, प्यार की जब नई दास्तां शुरू होती है तो कुछ नया नया सा लगने लगता है। जी हाँ, आंखों में नए नए से सपने सजने लगते हैं। ऐसे जहाँ के सपने जिसमें मोहब्बत का कोई दुश्मन ना हो। जी हाँ, जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्यार पलता हो और दो आंखों के दो दिलों के सपने जहाँ एक रंग हो जाते हो। एक रंग के सपने लिए दो प्रेमी एक नए जहां की ओर चल दिए। जहां वो होंगे उनका जहां होगा। श्याम जी, आपको क्या लगता है, दुनिया वाले यूं ही छोड़ देंगे उनको? आप तो ये सोचिए कि क्या वो दुनिया की फिक्र करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। हमें तो ये लगता है कि ये कुछ इस अंदाज में चल देंगे। कुछ सपनों की बातें, कुछ अपनों की बातें, कुछ दुनिया की रस्में, कुछ मोहब्बत की कस्में, यही सब लेकर आएगी
रंगोली विविध भारती की। तब तक के लिए रेणु चतुर्वेदी और जी श्याम का नमस्कार। सातों सुरों की सहेली, रंगों की है ये पहेली, सतरंगी है ये अटखेली। रंगोली है ये रंगोली, सातों सुरों।